हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और गोइंग टू अनाउंस अपकमिंग एमएनएस 2021 मेंटरशिप प्रोग्राम। इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी, बिकॉज आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको सबसे अच्छा और बेस्ट टाइम है कि घर पे रहिए और पढ़ाई करिए, अपने आप को एक रूटीन में लेकर आइए, ठीक है। तो इसमें हम लोग अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, इन विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री मॉक टेस्ट, नोट्स एंड अल्टरनेटिव डेज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस। ओके, क्लासेस में हम लोग टॉपिक्स को नहीं डिस्कस करेंगे, बट क्वेश्चंस के थ्रू हम उन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होंगी। ओके, एंड ये फ्री है आपका, आपको कोई भी पेमेंट इसमें नहीं लेना है। अगर हमें लगेगा कि आपको जरूरत है और ज़्यादा उसकी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम एवरी 15 days या 10 days में आपका गूगल मीट सेशन भी कराएंगे, जिसमें हम आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। तो ये फ्री सेशन है, इसमें आपको कुछ भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सो दैट जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं वो भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें इन फ्री ऑफ कॉस्ट। बिकॉज इस समय बहुत सारी सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, घर पे रहिए और अच्छी से रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप कौन सी स्टेज में है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर आप इस स्टेज में हैं, आई वॉन्ट डू इट, तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई कॉन्ट डू इट अगर आप ये सोच रहे हैं, तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये दो स्टेज में हैं, तो आपको अपने माइंड के साथ काम करना होगा। हम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ से, इस स्टेज से। आई वॉन्ट टू डू इट, आप करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ट्राई करेंगे, एंड लास्ट में आप लोग यहाँ पे जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे, यस आई डिड इट। ओके, तो आई वॉन्ट कि आप सब ये प्रॉमिस करें कि आई वॉन्ट टू डू इट, कि मेरे को करना है, ठीक है। कैसे करना है वो हम बताएंगे। मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में भी बताया है कि व्हाट इज एमएनएस एग्जाम एंड हाउ यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, व्हाट आर द स्ट्रेटजी, हाउ टू रीड जीके बुक, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता रखा है, ठीक है। अगर अगर आप ट्राई करेंगे इस चीज़ को करने का, तो ऑब्वियसली बात है आप कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे, हाँ, आपके अंदर खुद को आपको इस कंडीशन में बिलीव लाना है कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे, तब आपको ये दोनों चीज़ ऑब्वियसली बात है आप लोग अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को मोटिवेट रखिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव, ये सब सिचुएशंस हो रही हैं। तो बेटर है कि घर पे रहिए, अपने मेंटल एक्सरसाइज पे वर्क करिए और अपने आप को फिट रखिए, ठीक है, तभी पढ़ाई हो सकती है। तो अब मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। शेड्यूल देखिए किस तरीके से ये शेड्यूल बनाया गया है। मैंने इस तरीके से आपको ये शेड्यूल ऑर्गेनाइज किया है कि आपका एवरी मंडे को आपका एक फ्री मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। पहले मैं ट्राई करूंगी, पहले मैं आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दूंगी 150 क्वेश्चंस का, ठीक है, वो फ्री रहेगा। उसमें मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगी पूरा, जैसे मैंने ऑलरेडी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी एवरी मंडे को। ओके, आई विल ट्राई कि मैं हर एक मंडे को मॉर्निंग में अपलोड कर दूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको मिलेगी, वो है आपको अल्टरनेटिव डेज में सब्जेक्ट वाइज क्लासेस। सब्जेक्ट वाइज मतलब कैसे, जैसे आपका जीके आएगा, इंग्लिश आएगा, और तीसरा आपका क्या आता है, साइंस, है ना। तो हम जैसे मंडे को तो मॉक टेस्ट होगा आपका वेडनेसडे, फिर थर्सडे को छोड़ के आपका फ्राइडे को आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, फिर सैटरडे को छोड़ के संडे को आपको मिलेगा साइंस का। समझ में आया, मंडे एक दिन आपको जीके की मिलेगी, एक दिन आपको इंग्लिश की, और एक दिन आपको साइंस की। तो साइंस की जो क्लासेस होंगी, उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज कवर करा दूंगी कि बायो में कैसे पढ़ना है चैप्टर्स, उसके बाद में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, आई विल ट्राई टू माय बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ठीक है। बट आपको भी थोड़े बहुत एफर्ट्स देने होंगे, आपको भी सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस और आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं हेल्प कर दूंगी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज, ठीक है। और उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को जीके जैसे है, जैसे मैं सब्जेक्ट वाइज आपको अपलोड करूंगी। जैसे जीके मैंने आपको, अब आपकी जीके की क्लास नेक्स्ट एक दिन बाद अपलोड होगी, कल मंडे है ना, तो ट्यूसडे को आपकी जीके की क्लास मैं आपका अपलोड कर दूंगी। बिकॉज अभी इस सेशन को मैं जो स्टार्ट करूंगी आपका, सॉरी मैंने आपको क्या बताया, वेडनेसडे को आपको जीके की क्लास मिलेगी, नोट कर लीजिए शेड्यूल। फ्राइडे को आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, और संडे को आपको साइंस की क्लास मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, और टाइमिंग आपका 1 बजे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है।
अब वो सब मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेज दूँ बता दूंगी कि कल मैं किस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेंगे, और जो स्टूडेंट टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो डोंट वरी, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको जिस दिन वीडियो अपलोड होगा मैं उसी दिन मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर आएगी, ठीक है? तो इससे क्या रहेगा कि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, है ना? तो मंडे को मैं आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगी, दूसरा मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी साथ में, करंट अफेयर्स भी मैं कवर करा दूंगी, एवरी अल्टरनेटिव उस पर, ठीक है? तो यहाँ भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, वहाँ भी आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उतनी पॉसिबिलिटी आपके रिटन एग्जाम को क्लियर करने की हाई होती है। बिकॉज देखिए, वो जो पेपर बना रहे हैं वो लूसेंट थोड़ी ना पढ़ के पेपर बना रहे हैं, या फिर आपका जिस सोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से थोड़ी पेपर बना रहे हो, तो रैंडम क्वेश्चन उठा देते हैं ना जीके के कहीं से भी। तो आपको भी कहीं से भी रैंडम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो उससे क्या रहेगा, आपका एक कंटिन्यूटी और फ्लो मेंटेन रहेगा, तो आपको पढ़ाई करने में हेल्प मिलेगी। बाकी हम लोग अपनी तरफ से आपको बेस्ट सोर्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके से आपको शेड्यूल मिलेगा। और आपको अगर मुझे लग, आप लोग मुझे मैसेज करके बता देना टेलीग्राम पे, अगर आप लोग को लगेगा कि आप लोग को गूगल मीट या किसी सेशन की जरूरत है, या मोटिवेशन सेशन भी बीच बीच में मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगी, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।